अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम बनाने जा रहे हैं माश के दही वड़े। और दही वड़े में हमने एक नाप माश की दाल भिगने डाले थे, चार घंटे भिगने के बाद हम इसको पीस लिए हैं। इसमें कोतमीर और हरी मिर्ची नमक मिलाए हैं, हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसमें वो माश के वड़े डाल देंगे। देखिए हम यहाँ पर राउंड राउंड अच्छे से माश के वड़े डाल रहे हैं। में पूरा डाल दिए हैं। अब इसको हम अच्छे से थोड़ी देर लो फ्लेम पे रख के फास्ट करना है। उसके बाद हम अच्छा सा पिंक कलर आए तक इसको तल लेंगे। अब हम एक लगन में इसको दही को अच्छे से फेर लिए हैं। अब हम लिए हैं यहाँ पर एक लीटर दही। अब उसमें हम थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं, थोड़ा सा नमक डाले हैं। अब थोड़ा सा अदरक लहसुन भी डालेंगे। एक चम्मच अदरक लहसुन भी डाले हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारा दही इधर तैयार हो गया है। अब हम इसमें बघार करके डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी शक्कर डालना आधा चम्मच, क्योंकि थोड़ा सा मिठास होना, ज्यादा खट्टा रहा तो खाया नहीं जाता, इसलिए अब हम अच्छे से लजीज और मजेदार बना रहे हैं। देखिए अब पिंक कलर हो गया है। अब हम इसको निकाल रहे हैं, गोल्डन पिंक हो गया है। अब इसको हम निकाल रहे हैं। अब हम इसमें जीरा, राया, कड़ी पत्ता, एक हरी मिर्ची डाले हैं। अब उसको बघार दिया है और हींग डाले हैं। इसमें बॉल में दही और वड़ों को डाल दिए हैं। अब हमारा दही और वड़ा बन के तैयार हो गया है, दही वड़ा। अब हम उसमें बघार करके डालेंगे। अब इसमें हम बघार डालेंगे। देखिए हमारा बघार जबरदस्त डाल दिए हैं। चलिए अब दही वड़े तैयार हो गए हैं, बघार डाल दिए हैं हम। बहुत जबरदस्त बने हैं, लजीज बने हैं। आप भी बनाइए और बहुत ही मजे के बने हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।